y is equal to x root 1 plus x square log x plus root x square plus 1, है ना? तो d by dx of y is equal to d by dx x is x root 1 plus x square plus log x plus 2 x square plus 1, इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है? तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, जिसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म के साथ हो जाएगा और सेकंड टर्म के साथ हो जाएगा ना। तो d / dx ऑफ x रूट 1 प्लस x स्क्वायर d / dx ऑफ log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1। अब उसमें देखिए ये इसे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इनटू रेस्ट ऑफ सेकंड फंक्शन 1 प्लस x स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन आपका x है, ये x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और सेकंड फंक्शन का रेस्ट माने सेकंड फंक्शन आई जी इसको कॉपी कर दीजिए, ये प्लस रेस्ट ऑफ सेकंड फंक्शन 1 प्लस root 1 plus x square into rest of first function into differentiation of second, na? ठीक है? तो चलिए, तो x का हो जाएगा rest, हाँ? और इसका होगा differentiation, तो root 1 plus x square का differentiation कितना होगा? 2x upon root 1 plus 2 root 1 plus x square, ये होगा ना? देखिए, इसको आप t मानेगा t मानिएगा तो t हाफ हो जाएगा, t हाफ का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 2 रूट t होगा, और x स्क्वायर का फिर dt / dx करिएगा तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x का 0, तो 2x + 0 ना, तो 2x + 0 से 2x मिल जाएगा, और प्लस अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए तो d / dt d / dt ऑफ log t, तो d / dt ऑफ log t क्या होगा 1 / t, 1 / t में x root 1 plus x square हो गया, फिर plus d by dx of t, तो t में आप आइए ना, तो इसका differentiation कर लिया तो x common हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा ये 2x upon 2 root x square plus 1 हो जाएगा, ये ना, क्योंकि इसको t मानेगा तो 1 by 2 और 1 upon 2 root t बचेगा, s square plus 1 का 2s plus 0 हो जाएगा, है ना? ये चीज होगा। अब देखिए 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, यहां भी कट जाएगा, ठीक है? तो क्या बचेगा, यहां बचेगा root 1 plus x square और फिर plus x square upon root 1 plus x square, फिर plus 1 upon x plus root x square plus 1, है ना? फिर plus में इनटू में आपको हो जाएगा कैसे में लीजिए तो हो जाएगा x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है? तो कितना हो गया ये हो जाएगा आपका कैसे में लीजिए हम पर कैसे लीजिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है? प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर, है ना? तो चीज हो गया, आप इसको जोड़ लीजिए तो जोड़े कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर, अब 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस x स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ना? तो यहाँ पावर 1 है, ये रूट का मतलब हाफ पावर, रूट का मतलब क्या होता है हाफ पावर, ये पावर हाफ का है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 1 प्लस x स्क्वायर और 1 माइनस 1 बाई 2, तो हो जाएगा आपका 2 1 प्लस x स्क्वायर और 1 बाई 2, ना? तो 2 रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है? जैसे जो ठीक है, चलिए कॉपी करिए, ये है ना।
चेक करें तो एडिशन होल्ड कॉम्पिटिटिव ला